बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रमज़ान मुबारक का सबसे पहला रोज़ा जो है आप तमाम लोगों को मुबारक हो। और आज एतवार है और एतवार वाले दिन जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं। पिछली प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के तजर्बे के तौर पर मैं एक्सपीरियंस के तौर पर मैं कह रहा हूँ। तो संडे वाले दिन वैसे मैं दो तीन अखबारें भी ले लेता हूँ तो एक्सप्रेस के अंदर आती है, लेकिन आज जनाब अखबार तो सुबह मेरे पास आ गई थी 7:30 बजे। बट वो कहते हैं ना कि जनाब सब कुछ आ गया लेकिन जो है दवाई लेने वाला वापस नहीं आया। तो जनाब दवाई लेने वाला भी मेरे ख्याल में वापस आ जाएगा लेकिन एडवर्टाइजमेंट फिर भी नहीं आएगी। तो ये जनाब एक तरफ से तो गवर्नमेंट ने 2 साल की जनाब वाला एज की रिलैक्सेशन दी है कि आपने 2 साल जो है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे। ये तो इंतहाई ज़्यादा जो है मायूसी है। इससे बेहतर तो यही है कि आप एडवर्टाइजमेंट दें और आप जनाब एज की रिलैक्सेशन वाला जो एक आपने रिलैक्सेशन दी है उसको वापस ले लें। नौकरियां आप दे नहीं रहे और जनाब एज रिलैक्सेशन दे दी है, और ये कैसी कैसी बात हो सकती है। अगर आप पिछले साल चले जाएँ 2020, 2019, 2017, 2018, 2015 से आगे देखें तो जनाब मार्च तक जो है तकरीबन आलमोस्ट जो है 15 से 20 एडवर्टाइजमेंट आ जाती थी। अभी 3 एडवर्टाइजमेंट गुजरी हैं। तो ये इंतहाई मायूसी वाली सूरत हाल है। और हालांकि पीपीएससी के पास काफ़ी सारे रिक्वजिशन भी आई पड़ी होती हैं कि आपको पता है कि इदारों के अंदर जब भी असामियाँ खाली होती हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो फ़ौरन जो है उसको एडवर्टाइजमेंट करें और फ़ौरन वैकेंसी को फिल करें। तो खैर आज नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी है इशू। तो बहरहाल हमारी ये दुआ है कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो वही होना चाहिए, क्योंकि हमने तो यही नौकरियां करनी है चाहे कोई भी है। तो जनाब आज की जो संडे अपडेट जॉब्स हैं वो तो काफ़ी सारी, मैं तमाम अखबारों की चेक कर लेता हूं ताकि आप लोग जो है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बता सकूँ। जी हाँ, ये जनाब है जनाब NPO पाकिस्तान नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट स्टाफ। ये खैर एक कोई प्राइवेट जॉब है और प्राइवेट प्रोजेक्ट की जॉब है। इंचार्ज नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट फ्लोर मिलर सेक्रेटरी इस्लामाबाद। इसके बाद नीचे है जनाब आर्मी सर्विस सेंटर रिकॉर्डिंग नौशेरा कैंट, इसमें जनाब UDC और LDC की है। नीचे जनाब अगर यहाँ पे हम देखें तो यह है बेहतरीन फाइनेंशियल मुलाजमत के मौके फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU। तो ये एक्चुअली हुकूमत पाकिस्तान के अंडर गवर्नमेंट ऑफ IT स्पेशलिस्ट चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये है जनाब WWF जो कि पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये भी एक प्राइवेट NGO टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद जनाब ये वापडा के ऊपर जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी टेररिस्ट एक्सपर्ट। तो यहाँ पे जनाब आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई मज़े की जॉब नहीं है। नेक्स्ट पेज को चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी कोई नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जी ये पेज है जनाब, इसके अंदर जो है सुई सौदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जनाब आपको पता है कि सुई सौदर्न गैस कंपनी जो है एक ऑटोनॉमस पार्टी है। इसके अंदर जनाब जो है वेल्डर, स्टील फैब्रिकेटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, ड्राइवर, तो ये आप सब देख सकते हैं। और इसका ये तरीक़ाकार भी लिखा हुआ है सारा कुछ अप्लाई करने का। इसके बाद नीचे है जनाब ये आपके सामने पीपल पंजाब इंस्ताद पोलियो ग्राम टीम, और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसके अप्लाई करने का भी ये तरीका सारा कुछ। इसके बाद यहाँ पे देख लें आप, यह है जनाब मॉडल शरीम फार्म पायलट शरीम फार्मिंग क्लस्टर, और ये भी कोई प्राइवेट टाइप की जॉब है और मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जनाब
असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म रिसर्च, फील्ड रिसर्च ऑफिसर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, फील्ड वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, ये सारी चाहिए और ये सारे मैंने आपको पूरी एडवर्टाइजमेंट दिखा दी। हाँ जी, इसके अलावा जनाब ये देखिएगा आपके सामने जनाब बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जॉब्स आई हुई हैं और आपको पता है कि नौकरी लोन से तो बैंक वाली जॉब बारे में आ जाती है बाद वक्त। चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर है और इसकी तमाम रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई है और वैसे बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। और ये जनाब रोजनामा जंग 3 अप्रैल 2022 के अखबार में मौजूद है। कोई नहीं है, इसके अलावा जनाब रोजनामा खबरें के अंदर कोई भी जॉब नहीं थी। तो ये जनाब संडे की आज की न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि जनाब बीपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट का ना आना इंतहाई अफसोसनाक है कि जो बंदा जनाब जिसकी एज ओवर हो रही है उसको तो 2 साल का कोई फ़ायदा ना हो ना। तो मैं ये कहूँगा कि आप जनाब बीपीएससी को जो है कंप्लेंट करें कि आप एडवर्टाइजमेंट जो है इशू करें। कम से कम आप टेस्ट बाद में ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अप्लाई करने में तो कामयाब हो जाएंगे। एक बंदे की एज ओवर हो रही है तो वो कैसे मतलब है वो करेगा। तो इसलिए आप सबको जो है थोड़ा सा अमली इकदाम करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।